तो ये हमारा हरा चने का भवरा बनके तैयार है। इस रेसिपी के लिए हमने 200 ग्राम कच्चा चावल लिया, उसे लगभग 2 से 3 घंटे पानी में भिगो दिया है। उसके बाद मिक्सी जार में से हमने पीस लिया है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसका जो टेक्सचर है हम रखेंगे, बिल्कुल चिपचिपा। और ये दाने जो है हमने हरे चने के दाने हमने 200 ग्राम लिए हैं। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला। उसके बाद इसमें नमक हम डाल देंगे और फिर 1 चम्मच के आसपास खड़ा जीरा और 3 से 4 हमने हरी मिर्च को काट के डाला है और हरी धनिया की जो पत्ती है उसे भी हमने डाला है। तो इन सब को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो किसी चम्मच की मदद से भी इसे मिला सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अच्छे से इसे मिला लेंगे 1 से 2 मिनट तक, बिल्कुल ताकि हमारा अच्छे से मसाला इसमें सेपरेट हो सके। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये और आप अपने घर पे बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये 5 मिनट के अंदर बन जाता है और बिल्कुल भी तेल इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ी सी तेल में ये अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा इसका फाइनली डो तैयार हो गया है। इसका जो टेक्सचर आप देख रहे हैं किस प्रकार का है, इससे कि हम चम्मच में उठा के इसे तवे पे इसे पका सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें थोड़ी सी तेल डाला है। तेल हम इसमें ज़्यादा, आप चाहे तो तेल में फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ी तेल में कुछ इस प्रकार के चम्मच की मदद से 1-1 चम्मच डाल के हमें इस प्रकार का शेप देना है। बस केवल इसमें डाल देंगे, आपको थोड़ी सी पतला करना हो तो हल्का सा प्रेस कर दें आप इसे। ऐसे नॉर्मली आप डाल देंगे एक बार तो खुद ब खुद शेप ले लेगा वो, तो है ना बिल्कुल यूनिक। और बहुत ही सबसे इसमें खास बात है कि ये 5 मिनट के अंदर बन जाता है। और खाने में तो ये जितनी करेंसी लगती है वो तो आप एक बार बना के देखेंगे तभी पता चलेगा आपको। तो ये देखिए हमारा सिक चुका है एक तरफ, दूसरी तरफ भी हम इसे अच्छे से पलट देंगे किसी चाकू या चम्मच की मदद से। तो अब बारीकी से यहाँ पे फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा तेज रखेंगे फ्लेम को। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये हरा मटर का भवरा बन के तैयार है। आप इसे हरा मटर का पकौड़ा भी बोल सकते हैं, हम लोग गाँव में इसे भवरा ही बोलते हैं, पकौड़ा भी बोल लेते हैं हम लोग। तो देखिए फाइनली हमने निकाल लिया है, तो दूसरे बैचेस को भी हमने इसी प्रकार से निकाल लिया है। इसे तल के आप बिल्कुल ज़्यादा तेल में भी इसे तल सकते हैं और हमने यहाँ पे थोड़ी सी तेल डाल के इसे अच्छे से पकाया है। तो इसी प्रकार से हमने सारे भवरे को बना लिया है, तो इसे भी हम निकाल के अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये हरा चने का भवरा बना है। तो अब ये अभी सीज़न भी आ गया है हरे चने का, तो इस प्रकार से आप अपने घर पे हरे चने की रेसिपी को बनाएं और खुद खाएं और मेहमान को भी खिलाएं। ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा हरे चने का भवरा बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसे तोड़ के देख लेते हैं कि इसके बीच में जो इसका टेक्सचर है कैसा है। तो ये देखिए है ना बिल्कुल लाजवाब। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है हरे चने का भवरा। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।